अभी ठोक देती है उसको। सो गाइस व्हाट्सअप, तो मैं बहुत दिन पहले एक टैंक पैड देखा था जो यहाँ लगाया जाता है नी के पास में, तो वही बेसिकली लेने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो होपफुली एक दो मार्केट में देख चुका हूँ, मगर वहाँ मार्केट में मिल नहीं रहा है मुझे। तो जो मार्केट में मिल नहीं रहा है तो मुझे और एक दो शॉप देखना होगा। ज़्यादातर वो पुराना मचिस्मो में लगता था। हाँ तो वो मचिस्मो में लगता था, वो बेसिकली यहाँ पे लगता था वो टैंक नी पैड। तो ये छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं करने जा रहा हूँ, तो देखता हूँ कि मुझे मार्केट में अवेलेबल मिलता है कि नहीं मिलता है। रुक जाओ भोसड़ी के। दिस इज 7 पॉइंट, यहाँ पे 7 रास्ता के मिलता है। तो कलकत्ता में आप कहीं पे भी हो, आपको ये रास्ता में आना ही पड़ेगा, ये रोड पे, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गाइस शॉप आ चुका है, मैं बस बाइक पार्क करता हूँ, होपफुली यहाँ मिल जाना चाहिए। सो गाइस मैं भी यहाँ रुका हूँ जस्ट 2-3 चीज़ दिखाने के लिए। यहाँ पे वो टैंक पैड फिट होगा और ये मेरी बाइक है। थोड़ा भी गंदा लग रहा है आपको दिखने में, मगर ये बहुत सेक्सी लगता है मुझे, मतलब दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट स्टैंडर्ड 350। भैया वो स्टैंडर्ड का आपके पास ये है, वो जो साइड में टैंक पैड मिलता था? ओल्ड मॉडल। जी जी ओल्ड मॉडल, जो पुराना आपका इसमें लगता था, दे दीजिए। इसका स्क्रू होगा आपके पास? दे दीजिए। और क्या रेट है इसका बता दीजिए हमको। 580 और 60। ठीक लीजिए भैया। और जो पुराना बुलेट का ये आता था भैया, वो जो लीवर सर के पास में पुराना लीवर भी है, क्लच हैंड ब्रेक लीवर। ये कौन सा ईयर में आता था भैया? 1962 में आता था ना ये सब। क्या रेट पड़ेगा? 1600। डिकम्प्रेसर का 900। चलो ठीक है, मैं आपको दुकान दिखा देता हूँ एक बार। सर आपका नंबर बता दीजिए, किसी को चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा कांटेक्ट कर लेंगे। 97। बोलिए। 97। फिर 482 और 88 5 66। ठीक है। तो गाइस अगर आपको कुछ भी पुराना बुलेट का कोई भी सामान चाहिए तो आप गुप्ता ब्रदर्स या गुप्ता मोटर्स में आ जाइए, यहाँ आपको सब सामान अवेलेबल है।
गाइस अभी मुझे मिल गया है मेरा टैंक पैड, और मैं दो चीज़ करने वाला हूँ। अभी यहाँ से जाएंगे अपने मैकेनिक के पास में, उसको दे देंगे अपना बाइक, और इसे वो धुलवा के टैंक साफ करके वो एक नट यहाँ पे इंस्टॉल करेगा ये दो साइड पे, और वो प्रोसीजर्स मैं आपको दिखा दूँगा अगर हो पाया तो, क्योंकि आजकल थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी जा रहा है तो मुझे नहीं लगता मैं उतना अच्छे से कवर कर पाऊँगा ये पॉइंट, मगर आई एक्सप्लेन टू यू, आई ट्राई माई बेस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, और देखते हैं ना क्या होता है। असल में बहुत साल पहले जब मैं मेरे पास रॉयल इनफील्ड नहीं था, तब एक बंदे ने मुझे कहा था कि व्हेन यू मॉडिफाई योर बाइक इट कैन बी एनी बाइक, डू इट स्लोली, एक बार में कभी कोई मॉडिफिकेशन मत करिए। ज़्यादातर होता क्या है कि लोग जाते हैं करोल बाग में, वहाँ पे जाके अपना बाइक देते थे, बोलते हैं कि मॉडिफिकेशन कराया मैंने, और असल में वो मॉडिफिकेशन नहीं है, वो एक्सेसरीज लगाना, और अगर मॉडिफाई करते भी हैं तो इतना अनरियलिस्टिक मॉडिफिकेशन करते हैं, इतना अनरियलिस्टिक मॉडिफिकेशन करते हैं कि मतलब नॉर्मल लाइफ में उसे चलाना मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। करते हैं बड़ा बड़ा टायर लगा देते हैं, वाह मुझे पसंद नहीं है वो, मैं तो रेट्रो बाइक्स मुझे पसंद है, जैसे मेरे कुछ दोस्त बने हैं जो RD रखते हैं, और इफ़ आई गेट गुड व्यूज़ ऑन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू शो यू होंडा CB250 विच इज़ एन अनदर विंटेज। सो डेफिनेटली मैं आ गया हूँ मैकेनिक के पास, क्या कर रहे हैं मुशरफ भाई आप, क्या कर रहे हैं आप, कलर हाँ अभी शूट कर रहे हैं उसी को लेके, हाँ गए थे टैंक पैड लाने के लिए, क्या कर रहे हैं वहां पर, ये भाई हम लोग का मैकेनिक, हम लोग का डॉक्टर, क्या खा रहे हो भाई, खाइए खाइए खाइए, बिस्मिल्लाह करिए, हेलमेट में कैसे खाएंगे, ले लीजिए, हाँ सुबह से असल में एग्जाम चल रहा था ना वाइवा मेरा, तो एग्जाम दे रहे थे, छोटू दो तो पैड। सो गाइस दिस इज द टैंक पैड, ये उस तरफ जाएगा, बोले दो तो बाबू कहाँ लगाइएगा, ये तो यहाँ दाग दिया हुआ, देखो ये देख रहे हो ये जो दाग दिया हुआ है, इसमें एकदम नट का सेंटर होगा यहाँ पे, ये पॉइंट बोले दो ना, तो ये बेसिकली ऐसा रहेगा, हाँ ऐसा जलाई होगा उसका पर ही बैठेगा, उसका बीच में टाइट हो जाएगा, हाँ यही है, देखिए इसी का बीच जो दाग है इसको बीच में रखना है, एकदम सही बोले, लो आसिफ करवा देना भाई हम निकले, चलो हम निकल रहे हैं, सर्दी हमको जानते हैं, हाथ तो मुंह में लगाए हैं